नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी ने की चाय पर चर्चा, यूट्यूब पर अपलोड किया खास वीडियो। संसदीय समिति ने पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने डटे जवानों की जरूरतों और मुश्किलों पर की बात। साल 2027 में भारत को मिल सकती है पहली महिला सीजीआई, एससी कॉलेजियम ने भेजी 9 नामों की सिफारिश। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना पर पाकिस्तान को भारत ने फटकारा। सीरम ने वैक्सीन बनाने की शीशी वाली कंपनी के स्कॉट काइशिया में खरीदी 50% हिस्सेदारी। भारत अफगानिस्तान व्यापार पर तालिबानी संकट, सूखे मेवे की कीमतों में उछाल, चिंता में डूबे दिल्ली के थोक बाजार। शिमला में एचपीयू कैंपस में फिर भिड़े छात्र संगठन, वीसी दफ्तर के बाहर काटा बवाल। केरल सोलर कैंप स्कैम में चांडी समेत कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया यौन शोषण का मामला। कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला, तालिबान ने क्लियर किया अपना स्टैंड। बत्तीस साल का इंतजार हुआ खत, पाकिस्तान से भारत आए 75 रिफ्यूजी लोगों को मिली नागरिकता। शिलांग में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सुरक्षा काफिले पर हुआ हमला। थप्पड़ कांड से चर्चा में आए आईपीएस गौरव सिंह को मिली तैनाती, सीआईडी में बने एसपी। कोविड और ब्लैक फंगस से भयभीत दंपत्ति ने की खुदकुशी, हिंदू रीति विवाद से अंतिम संस्कार के लिए छोड़े पैसे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 2024 तक देश में बनाएंगे 100 नए हवाई अड्डे। असम में लागू होगी नई कोरोना गाइडलाइन, शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे रेस्तरा। यूपी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में निर्देश, होर्डिंग पर टिकट की दावेदारी न दिखाएं कार्यकर्ता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, निद्रा नहीं चिंतन में लीन थे माननीय, आक्रोशित जनता का कैसे करे सामना। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कांग्रेस पर हमला, बोले कोरोना काल में रायबरेली से दूर रही सोनिया गांधी। मेरठ के भाजपा जिलाध्यक्ष के काफिले में उमड़ी भीड़, बोले बीजेपी ज्यादा मतों से जीतेगी चुनाव। मछुआरों को एससी श्रेणी में मिले आरक्षण, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से पीएम को लिखी चिट्ठी।
यूपी के गांव में अब बनेगी किफायती और टिकाऊ सड़कें। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से होगा निर्माण। दिल्ली एनसीआर के लोगों की जल्द पूरी होगी मुराद। अगले हफ्ते शुरू होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। गोरखपुर में जल्द बनेगी रेडीमेड गवर्नमेंट पार्क। 3,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर जेल में डीएम एसएसपी का छापा। 3 घंटे तक खंगाले गए बैराक। कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची माउंट एम्ब्रुस पर कानपुर के पारुल ने फहराया तिरंगा। देश की शान में लगाए 4 चांद। बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर दुकानें बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने के लेखपाल पर हुई कार्रवाई। निलंबित कर तहसीलदार को सौंपी जांच। असम से मजदूर लेकर जा रही मिनी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी। 2 लोगों की हुई मौत। वाराणसी में बाढ़ से नुकसान का ड्रोन से सर्वे की तैयारी। राजस्व टीम सर्वे को देगी मूर्त रूप। लखनऊ में 50 साल तक की सुविधाओं का तैयार होगा प्लान। मंडलायुक्त ने जल्द खाका बनाने का दिया निर्देश। लखनऊ में रैगिंग लेने वाले 5 छात्रों पर बड़ी कार्रवाई। लोहिया संस्थान ने 3 माह के लिए किया गया निलंबित। भुज फिल्म में गूंज रही लखनऊ की बेटी की आवाज। कविता तिवारी की 2 मिनट तक फिल्माई गई है कविता। बाराबंकी से शुरू होगा घर बैठे लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया का ट्रायल। आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। एसटीएफ ने अयोध्या में पकड़ा गया मुख्तार अंसारी का शूटर। जानलेवा हमले के मामले में मई से था फरार। गोंडा में लगेगा देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट। मई 2022 तक हो जाएगा तैयार। आप सांसद पर दर्ज मुकदमे में लखनऊ पुलिस ने शुरू की जांच। जल्द दर्ज किए जाएंगे भाजपा विधायक के बयान। आंतरिक सुरक्षा के बढ़ते खतरों के बीच योगी सरकार की बड़ी पहल। जल्द बनेगी एटीएस की 12 और यूनिट। गोंडा का पूर्व जिला पंचायत सदस्य गिरोह बनाकर कर रहा था लूटपाट। एसटीएफ ने लखनऊ में 3 को दबोचा। बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी के दौरान विरोध करने पर साथी की पिटाई। 3 आरोपितों को खिलाफ एफआईआर। मिर्जापुर के विद्युत कॉरिडोर निर्माण के लिए 128 करोड़ रुपए मंजूर। जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। अफगानिस्तान में तैनात जौनपुर निवासी आईटीबीपी के एसआई आशीष कुशल भारत पहुंचे। परिवार वालों को मिली राहत। यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी का निर्माण कार्य होगा शुरू।
रेलवे स्टेशनों के आसपास एटीएम की सुविधाएं बढ़ाएगी बैंक, यात्री सुविधाओं में होगा इजाफा। शराब के सेल्समैन को बाइक सवारों ने मारी गोली, ग्रामीणों ने बाइक पकड़ा तो हवाई फायरिंग कर हुए फरार। वाराणसी में दीपावली से बनेगा कचरे से बिजली बनाने का प्लांट, सवा साल में बनकर तैयार होगा। समाजवादी पार्टी के वाराणसी जिलाध्यक्ष अजीत यादव बोले, जनता की अदालत में महंगाई होगा मुख्य मुद्दा। लखनऊ में ई रिक्शा चालक की पुलिस ने की पिटाई, चालक पर डंडों से थर्ड डिग्री हुआ टॉर्चर। शाहजहांपुर में पुलिस ने 15 बाल मजदूरों को मुक्त कराया, भूखली के गोदामों से 15 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। सोनभद्र में बदमाशों के हौसले बुलंद, आपसी रंजिश में चली गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में सपा विधायक ने दर्ज कराया मुकदमा, अवैध तरीके से गिराई फैक्ट्री। जौनपुर में बिजली तार से बच्चों की झुलसने का मामला, परिजनों की बिजली विभाग पर कार्रवाई की मांग। औरैया में फांसी पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में पुलिस ने किया चेकिंग अभियान, 25,000 रुपए का इनामी लुटेरा किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अफगानिस्तान में फंसा बुलंदशहर का मुकेश, भारत सरकार से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात में अवैध असलों के दम पर दबंगों की दिखी दबंगई, दबंग जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए पहुंचे। रायबरेली में जिले में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, तमंचे के बल पर रेप करने की कोशिश। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली छेने से लदा ट्रक किया बरामद। सोनभद्र में एनटीपीसी रेहन परियोजना के बॉयलर में लगी आग, आग लगने से बचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। फतेहपुर में दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा, महिला सहित 3 लोग जख्मी, खेत की मेड़ में हुई घास हटाने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में इंदिरा नगर में दिन दहाड़े महिला से हुई चेन की लूट, गर्भवती महिला से चेन लूट कर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई लुटेरों की करतूत। पौड़ी गढ़वाल में तहसील दिवस पर डीएम से सुनी लोगों की समस्या, लोगों की समस्याओं के निराकरण के दिए आदेश। सितारगंज में बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर बवाल, बवाल के बाद बीजेपी का बड़ा ऐलान, प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाक और पूर्वी बांग्लादेश।
चंपावत में कृषि विभाग ने बांटे कृषि उपकरण, महिलाओं में दिखी खुशी की लहर। नैनीताल में मंडलायुक्त ने की पीएम स्वामित्व योजना की समीक्षा, ग्रामीणों की संपत्तियों का सही आकलन करने के दिए निर्देश। हरीश रावत ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिल्ली से इस्तीफा देकर उत्तराखंड आ जाए केजरीवाल। तालिबान ने हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा तोड़ी, 1995 में की थी हत्या। अफगान उपराष्ट्रपति ने कहा, किसी भी परिस्थिति में तालिबान के सामने कभी नहीं झुकूंगा। अफगान पर तालिबान के कब्जे के बाद बोले ईरान के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान को स्थिर करने के करेंगे प्रयास। जर्मन राष्ट्रपति ने अफगान संख्या को बताया पश्चिम के लिए शर्मनाक, त्रासदी के लिए सभी को ठहराया जिम्मेदार। यूएन में भारत के स्थायी राजदूत और सुरक्षा परिषद के मौजूद अध्यक्ष टीएस त्रिमूर्ति ने किया ट्वीट, म्यांमार में आसियान के विचारों का स्वागत करता है भारत। तालिबान के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, तारीख तालिबान से बचाने की लगाई गुहार। पाक में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद, लाहौर किले में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तीसरी बार तोड़ी, एक हुआ गिरफ्तार। चीन ने 5 यात्रियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 उड़ानें की निलंबित। भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में प्रौद्योगिक साझेदारी के लिए एमओयू पर करेंगे हस्ताक्षर। सैनिक वापसी को लेकर अपनों के निशाने पर आए जो बाइडेन, सबसे ज्यादा नाराज है लिबरल डेमोक्रेट के सांसद। अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा, अफगानिस्तान में चीन, रूस और ईरान ने अमेरिकी सैन्य विफलता के अवसरों का उठाया है लाभ। तालिबान ने महिलाओं को सरकार में शामिल होने का दिया न्योता, सभी सरकारी कर्मचारी लौटे काम पर। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति हरमुल्ला साले ने खुद को केयरटेकर राष्ट्रपति किया घोषित। अफगानिस्तान संकट के बीच इजराइल ने 8 देशों से ट्रैवल हटाया बैन, यात्रा करने से पहले बनाए गए नए नियम। पाकिस्तान पहुंचे अफगान नेताओं से बोले पीएम इमरान खान, अफगानिस्तान में चाहते हैं शांति और स्थिरता। तुर्की ने इराक के स्कूल पर किया ड्रोन से हमला, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 18 लड़ाकों की मौत। तालिबान ने सलीमा मजारी को पकड़ा, अपनी सेना बना रही थी पहली महिला गवर्नर। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद मिला कोरोना का एक केस, पूरे देश में 3 दिन का लॉकडाउन।
तालिबान की आर्थिक कमर तोड़ेगा अमेरिका, सील किए गए अफगान सरकार के खाते। ब्रिटेन में बसाए जाएंगे अफगान नागरिक, महिलाओं लड़कियों को मिलेगी वरीयता। भारत ने एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट की अपील, ब्रिटेन कंपनी के एनर्जी 1.2 अरब डॉलर के दावे को करे खारिज। अमेरिका कोर्ट ने 13 अगस्त को की थी अपील। एचडीएफसी बैंक फिर जारी कर सकेगा नया क्रेडिट कार्ड, आरबीआई ने दिसंबर 2020 में लगाई रोक पर दी आशंक छूट। चीनी निर्यातकों को झटका, केंद्र सरकार वापस लेगी निर्यात सब्सिडी। वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने का कारण लिया गया ये फैसला। स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लाएगी 1250 करोड़ रुपए का आईपीओ, सेबी को सौंपे दस्तावेज। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा कि उनकी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीयता इस्पात लिमिटेड करना चाहती है। टी20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट आविष्कार गुनातिलका को टीम का बनाया गया बल्लेबाज का कोच। ट की टी20 चैंपियन भारत टीम विश्व कप की 24 अक्टूबर से होगी शुरुआत, टीम का पहला ही मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। रावलकोट हॉक्स ने कश्मीर प्रीमियर लीग का जीता खिताब, शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से हराया। कोहली की कप्तानी में एक और करिश्मा, दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट जीतने वाला देश बना भारत। यूएई के स्टेडियम में हो सकती है दर्शकों की वापसी, बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड का इस बार बना रहा है तगड़ा प्लान। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने शुरू की एक और संस्था, अब लड़ेगी महिलाओं की कानूनी लड़ाई। प्रियंका चोपड़ा जोन्स बनी मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन, दीपिका पादुकोण को किया गया रिप्लेस। वायरल हुआ रानू मंडल का वीडियो, सहदेव के गाने को गाती आई नजर, सोशल मीडिया पर मची धूम। लिएंडर पेस और महेश भूपति पर बेस्ड वेब सीरीज ब्रेक पॉइंट की शूटिंग खत्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी पर रिलीज होगी ये वेब सीरीज। डायरेक्टर आर बाल्की की अपकमिंग फिल्म में अमिताभ बच्चन और कैटरीना का कैफ की हुई एंट्री, कैटरीना इस फिल्म में लीड रोल में आएंगी नजर, वहीं अमिताभ फिल्म में एक छोटा सा मगर बेहद महत्वपूर्ण निभाएंगे किरदार। प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।